आपके इतने सारे फैंस हैं, लेकिन एक बहुत ही खास फैन है, इनफैक्ट बहुत ही खास फैन है, और उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। मैं प्ले कर सकता हूँ? हाँ जी, आइए देखते हैं। नमस्कार, हेमा जी के बारे में मैं जो भी कुछ कहूँगी वो कम ही होगा। वो मेरे लिए एक बहन के स्थान में है, और हम बचपन में जब दिल्ली में रहते थे वो और मेरी दीदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और डांस सीखने जाते थे और मैं भी पीछे पीछे जाती थी। लेकिन मेरा तो शौक म्यूजिक में था। फिर वो एक बहुत बड़ी स्टार बन गई, ड्रीम गर्ल बन गई। पर फिर भी वो अपने बचपन के दोस्तों को उन्होंने भूला नहीं, और मैं जब बम्बई गई उनकी मम्मी जया चक्रवर्ती जी इतना मुझे हेल्प किया, और फिर लक्ष्मीकांत प्यारलाल के पास लेके गए, और मेरी करियर की शुरुआत वहीं से हुई। हेमा जी जो भी जिंदगी में उन्होंने जो भी रोल निभाया है, इतनी डेडिकेशन, इतनी सिंसियरिटी और इतनी ऑनेस्टी से निभाया उन्होंने। एक माँ का रोल, एक बीवी का रोल, और हमारे जैसे लोगों के साथ एक दोस्ती का रोल, एक बहन का रोल। ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगी कि हमेशा उनको खुश रखें, उनको लंबी उम्र दें, और वो ऐसे ही ग्रेस और डिग्निटी के साथ सारी जिंदगी भर रहे। So sweet, Kavita ji. Thanks so much for speaking so wonderful about me. इनके साथ मेरा संबंध बचपन से है। She was just 2 years old. इनकी बहन और मैं, हम दोनों दो फ्रेंड्स थे, तो कहीं पे भी जाएंगे तो पीछे पीछे आती थी। देन बाद में जब मैं बॉम्बे आ गई, मैं फिल्म आर्टिस्ट बन गई, तो इन देन इट वॉज माई मदर, शी हर्ड कि इतना अच्छा कविता गाती हैं, तो इनको फिल्मों में ज़रूर गाना चाहिए करके मम्मी मेरी लक्ष्मीकांत जी के पास ले जाके उनसे इंट्रोड्यूस कराया। और मेरी एक पिक्चर बनी थी शरारा, शरारा में कविता जी से गवाया था एक गाना, बहुत सुंदर गाया उन्होंने। सो आई फेल्ट सो नाइस कि वो आज कितना अच्छा गाया। उसके बाद बहुत सारे फिल्मों में, और मैं जो भी नृत्य नाटिका करती हूँ, डांस बैले, उसमें सब कविता हैज टू सिंग, शी हैज टू सिंग, एंड शी सिंग्स सो ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली, एक बार जोरदार ताली। महिलाएं जिनके बिना ये सृष्टि अधूरी है, जिनके बिना हमारा जन्म असंभव है, और जिनके बिना मानवता अनपेक्षित है, और इसीलिए वुमेन्स डे के अवसर पर हमारे शो में आ रही हैं इस देश की सबसे सशक्त और दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक, इंडिया की सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर्स देने वाली बॉक्स ऑफिस क्वीन, अ प्रोड्यूसर, अ डायरेक्टर, अ क्लासिकल डांसर, अ पॉलिटिशियन, और इतनी जबरदस्त माँ की इन्हें भगवान भी बुलाते हैं, हे माँ। वाह, द ड्रीम गर्ल फॉर ऑल जनरेशंस, हेमा मालिनी। किसी झील का कमल, किसी शायर की गजल, किसी झील का कमल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, किसी शायर की गजल, किसी झील का कमल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रिंगर ड्रिंगर, किसी शायर की गजल, ड्रिंगर। एक बार हेमा जी के लिए हाथ टूटने तक तालियां। मैम, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, मैम आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी एवर इन द होल वर्ल्ड। बड़ी सुंदर दिखती, आप लोगों ने बहुत तारीफ कर दिया मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं मैम, अभी तो हम शुरू हुए हैं। मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन इंडियन आइडल, अपना कीमती समय हमारे शो को और हमें देने के लिए। तेरे चेहरे में
जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, की बरसातें मुझ में प्यार की प्यास जगाए। तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्याले मुझ में जीने की आस बढ़ाए। चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रंगत है दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है बस जन्नत ही जन्नत है। शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। जब देखती है वो मैं ढूंढ लूंगा तो, शबनम घटा चांदनी बन जाती है दोस्त तो, रंग रूप लेती है वो बदल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी जी कितनी खूबसूरत है ना, माय गॉड, नॉट जस्ट टैलेंटेड स्टिल एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है ना विशु सर? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, आपके फोन ने भी आपसे यही कहा। नहीं, मैं फोन पे यही बोल रहा हूं, एक्चुअली आई एम नॉट इवन जोकिंग, आई वाज टेक्सटिंग माय मदर टू से मैं हेमा जी के साथ में बैठा हूं टेबल पे, इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। वाओ,
मैम, मैं भी आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ. जब मैं बहुत छोटा था, हालांकि अभी भी मैं छोटा ही हूँ, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था, तब जब भी पापा मम्मी और मैं, हम बहुत कम छुट्टी पे जाते थे, पर कभी भी थोड़ा समय मिलता था तो हम खंडाला चले जाते थे एक आध दिन के लिए. और मेरे पापा जो हैं वो मम्मी को एक ही कॉम्प्लीमेंट देते थे, और वो कॉम्प्लीमेंट ये था, अरे दीपा जी, क्या हेमा मालिनी जैसे दांत हैं आपके. लेजेंड. कसम से. और मैं उस वक्त इतना छोटा था, मैंने आपकी कोई फिल्में नहीं देखी थी, तो मैं ये सोचता रहता था ये हेमा मालिनी जी कौन है. फिर मैंने आपकी फिल्में देखी, और उसके बाद मेरे पे भी भूत चढ़ गया कि अब मेरी भी जो बीवी होगी उसकी हेमा जी जैसे दांत होंगे. और आप देखिए, मेरी बीवी के हेमा जी जैसी ही दांत है और वैसी ही स्माइल है. दांत ठीक है मेरा. और हेमा जी के लिए, यू नो, उनकी ब्यूटी के लिए तो ऑलवेज, आज आज तक लोग कहते हैं कि यार कोई भी अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत बनने की कोशिश करे तो तुम अपने आप को हेमा मालिनी समझती हो क्या? एक्चुअली एक्चुअली शी इज आइकॉनिक. आज तक चलता है. Absolutely. ये मुझे कई लोगों ने कहा, तो मैं एक्चुअली बिलीव नहीं करती थी, लेकिन हर हर जगह जब बोलते हैं लोग तो शायद ये सही है. क्या बात है दानिश. इसे कहते हैं लिमिटलेस परफॉर्मेंस. थैंक यू थैंक यू. पहले मैं कह दूं कि आप लोगों में इतना जुनून है ना, कि हासिल करने के लिए नाम शोहरत वो दिखता है, एंड देन इतना डेडिकेशन है, इसी की वजह से आप लोग इतना अच्छा गा सकते हैं. थैंक यू मैम. आई मीन जो लता जी, आशा जी, ऐसे बड़े बड़े कलाकार जो गाए, उसको आप लोग एग्जैक्टली वैसे के वैसे गा रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड यू आर कितने यंग हैं आप लोग दोनों, बहुत आगे नाम बनाएंगे आप लोग.
इसके साथ जुड़ी हुई कहानी तो बहुत है. इसके इस पिक्चर की शूटिंग थोड़ा स्विट्जरलैंड में एंड देन एक माल्टा करके एक जगह यूरोप में है वहाँ पे हुई थी. छोटी छोटी गली थी, जैसे हम लोग मैं वृंदावन को देखती हूँ तो वहाँ पे कुंज गलियाँ है जी. तो उसी टाइप का कुंज गली वहाँ पे देखने को मिला. जैसे सर्च कर रहा है ना, द लवर्स आर सर्चिंग फॉर ईच अदर. सो इस गली से कभी उधर से, बड़ा ब्यूटीफुल था. देन वी हैड गो टू, वहाँ से हम स्विट्जरलैंड गए, वहाँ पे भी शूटिंग हुई थी. तो इस शूटिंग के दौरान क्या, मैं हमेशा मेरी मम्मी साथ में आती है या आंटी मेरे साथ आती थी जी. तो इस बार मेरे साथ मेरे डैडी आए. तो डैडी ऑफकोर्स ही नोज, धर्म जी से काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है सभी, लेकिन वो बहुत कोशिश किया कि वो हमारे साथ गाड़ी में ना बैठे. बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट मी, ना द डॉटर को प्रोटेक्ट करना है. धर्म जी यूज्ड टू से कि नहीं नहीं, मुझे भी आप ही के साथ गाड़ी में आना है. बड़ा अच्छा भी मज़ा आ रहा था मुझे कि देखने के, मैं गाड़ी में बैठने के बाद डैडी आके पहले बैठ जाएंगे सो दैट he cannot sit. But Dharam ji is so clever, from the other side he will come and he will sit next to me. It was a little funny, but it was very interesting. Wow. Aur waqai mein ma'am, Dharam ji to obviously the most handsome man and the most beautiful woman. Kya jodi hai. Oh. Is jodi ke liye ek baar zordar taaliyan. Undoubtedly. Oh. Evergreen, immortal. मेरे नसीब में तू है के
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.